हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपाई। आपका सीपाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक इजी ट्रिक लेके आते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो हम चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको जानना क्या क्या है उसको बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट का। किसका? एलिमेंट या फिर आयन का होता है। ठीक है, वो कौन सा आयन हो सकता है बताओ? या तो कैटायन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है बताओ? आपका एनायन हो सकता है। ये चीज़ें, ठीक है। तो बेटा देखो, आपको अगर जानना है ना कि एलिमेंट कैसा दिखता है, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है आपका एक, ये क्या होता है बताओ? एक न्यूक्लियस है। क्या बताओ? यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसको मैं ऐसे गोल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाहर ना एक सरफेस होती है, ऐसे कुछ करके गोला होता है। उसके बाहर भी एक और गोला होता है ना, और उसके बाहर भी होता है आराम से, है ना, ऐसा करके उसके बाहर भी होता है भाई, कुछ ऐसा करके, ठीक है ना, इतने बना लेते हैं। तो आपको पता है कि इन न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं बताओ? आपके प्रोटॉन रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ? प्रोटॉन रहते हैं। और आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस क्या बताओ? आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस क्या रहते हैं बताओ? आपके पास ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो, जब कोई चीज़ न्यूक्लियस के जस्ट पास में है ना, तो उसकी जो एनर्जी, इस वाले की एनर्जी क्या होगी बताओ? कम एनर्जी होगी, यानी कि नियर टू द न्यूक्लियस लो एनर्जी है ना, लो एनर्जी होगी। अब लो एनर्जी होगी, और जो जो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, यह क्या होगी बताओ? मोर एनर्जी होगी, मोर एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बगल में जो ये लगा हुआ है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये कौन सी लेवल होगी बताओ? फर्स्ट लेवल होगी। अब मैं ना इसको कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि ये आपका ना ये न्यूक्लियस है। क्या है बताओ? यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे होगा आपका सेकेंड लेवल, इसके ऊपर हो जाएगा आपका थर्ड लेवल, उसके ऊपर कौन सा हो जाएगा मान लीजिए आपका फोर्थ लेवल है। यानी कि ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, ये लेवल थ्री है, और ये लेवल क्या है बताओ? फोर है। ठीक है, बट आपने ना एक चीज़ सुनी हुई है, जो लेवल वन होता है या न्यूक्लियस के बगल में जो भी लेवल होता है उसको ना के बोला जाता है, उसके ऊपर वाले को एल बोला जाता है, इसके ऊपर वाले को बोला जाता है एम बोला जाता है, और सबसे ऊपर वाले को क्या बोला जाता है बताओ? एन बोला जाता है। आई बात समझ में? ये जो के है ना, यही क्या है बताओ? शेल है। क्या है ये? शेल है। एल वी क्या है बताओ? आपका एक सेल है। और एम क्या है बताओ? ये भी क्या है? आपका सेल है। और जो एन है वो भी क्या है? आपका सेल ही है। ठीक है, अब समझते हैं कुछ और चीज़ें, है ना, कि अगर ये सेल है तो इनके मायने क्या क्या हैं। देखें जी, देखिए, अगर ये सेल है तो इनके मायने समझें। अब एक बात बताइए, आपने ना टेंथ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुना हुआ है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग ये लिखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग लिखते हो 2, 8, 18 फ़िलहाल के लिए, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलते हो कि के शेल में हमेशा दो होते हैं, जो एल सेल होती है उसमें कितने होते हैं? आठ होते हैं। एम में भी कितने होते हैं? आठ होते हैं। फिर आपके एन जो आते हैं उसमें 18 होते हैं, ऐसे ही चलते जाता है ना। तो
तो सुने, अब ये जो टू आया ना, ये जो के सेल होती है, ये आपका शेल है। क्या है बताओ? शेल है। तो सेल के क्या रहते होंगे? सब सेल भी रहते होंगे, है ना। ये जो 18 ये लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अभी देखें, जो सेल होती हैं, सेल की क्या रहती होंगी बताओ? कुछ ना कुछ सब सेल भी रहती होंगी, है ना। सब सेल रहती होंगी, यानी कि कोई सेल है तो उसका सब सेल रहेगा। तो सब सेल जो होते हैं, सब सेल के अंदर क्या क्या आते हैं उसको समझते हैं। देखिए, जो के सेल है उसकी एनर्जी कितनी है बताइए? वन है एनर्जी है उसकी, पहली एनर्जी है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसका, है ना। किसके लिए बताओ? ये के के लिए। तो ऐसे केस में इसके पास जो सब सेल होंगे वो भी कितने होंगे बताओ? एक ही सब सेल होगा, ठीक है ना। उस सब सेल का नाम होगा स्फेरिकल। क्या हो जाएगा बताओ? स्फेरिकल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये वन है ना, कहने का मतलब, अब मैं यहां से ना एलाबोरेटेड करके लिखता हूं। एक कोई के शेल है, इसकी एनर्जी लेवल है, आप वन लिखते हैं, इसका मतलब है कि उसमें एक सब सेल रहता होगा। अच्छा, के शेल में एक सब सेल रहती होगी, ये क्या रहती होगी बताओ? सब सेल। सब सेल ये क्या है बताओ? शेल है। तो एक मतलब इसमें क्या रहता होगा? एक कोई ना कोई स्फेरिकल रहता होगा। क्या रहता होगा बताओ इसमें? स्फेरिकल। ये जो स्फेरिकल होता है ना, इसको बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्बिटल। इसी को क्या बोलते हो आप लोग? एस ऑर्बिटल बोलते हो। क्या बोलते हो बताओ? एस ऑर्बिटल। आगे बढ़ो। ये जो एल सेल है, एल सेल को आप लोग बोलते हो, ये जो एल सेल है इसको आप लोग बोलते हो कि इसके एनर्जी कौन सी है बताओ? टू है। इसका मतलब ये जो टू है ये क्या है बताओ? सब सेल होंगी। क्या होंगी बताओ? सब सेल। सही है, टू सब सेल हुई। तो टू सब सेल के अंदर भी क्या रहते होंगे बताओ? दो टाइप के ऑर्बिटल रहते होंगे। कौन से वाले? समझना। एक तो आपका हमेशा क्या रहेगा बताओ? स्फेरिकल रहेगा, जिसको एस ऑर्बिटल लिखोगे आप लोग। क्या लिखोगे बताओ? एस ऑर्बिटल। दूसरा कौन सा रहता है पता है? परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग बोलते हो पी ऑर्बिटल। क्या होता है बताओ? पी ऑर्बिटल। तीसरा, एम के पास चलते हैं। एम का मतलब आप ये सेल मान के चलते हो एम को, और जो एम होता है, एम वैल्यू आप थर्ड मानते हो। तो थर्ड ये क्या है बताओ? तीन ये सब सेल की बातें हो रही हैं। क्या हो रही है बताओ? सब सेल की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तीन टाइप के ऑर्बिटल भी होते हैं, समझिए। कौन कौन से? एक तो एस ही होता है, दूसरा पी ही होता है, तीसरा कौन सा आ जाता है अब? डी भी आ जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखें जी, अब आगे बढ़ना। देखो, आपको करना क्या है उसको समझो। आपको ना ये करना है ना, अब यहाँ पे ना आप जब पहले सेल में देख रहे हो तो एक ही एस ऑर्बिटल है। इसका मतलब पहली एनर्जी का, फर्स्ट एनर्जी का ये एस ऑर्बिटल है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? वन एस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वन एस। ऐसे ही जो सेकेंड ऑर्बिटल है, सेकेंड सॉरी सेल है, सेकेंड सेल का एस ऑर्बिटल है, और सेकेंड सेल का कौन सा है? पी ऑर्बिटल है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? टू एस लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग? टू पी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है एस पी डी, ये थर्ड सेल के हैं, यानी कि थर्ड सब सेल के हैं, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे इसमें? थ्री एस बोलोगे। थ्री क्या बोलोगे आप? पी बोलोगे। थ्री क्या बोलोगे आप? डी। यानी कि जो एनर्जी लेवल है इसका क्या है? थर्ड है। आई बात समझ में? अभी देखें, अब ना एक चीज आपको बता दूं, जो ये एस ऑर्बिटल होता है ना, ये स्फेरिकल होता है, कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? गोल टाइप का होता है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल होता है, ये तीन होते हैं, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर, एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर। एक ये रहा होगा, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक कहाँ रहा होगा? पक्का जेड डायरेक्शन में रहा होगा, है ना। ये क्या होगी आपकी? जेड डायरेक्शन मान लीजिए। और एक कहाँ रहता होगा बताओ? वाई डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। इसका मतलब आपके पास पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कितने होते होंगे बताओ? पी एक्स भी होता होगा, पी वाई में भी होता होगा, और पी किस में रहता होगा बताओ? जेड में भी रहता होगा, ठीक है। ऐसे ही जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, उनको समझ लेते हैं। इसका मतलब एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल होता है, तो उसको ना आप कुछ ऐसे डब्बे में लिख के दिखा सकते हो।
जो पी ऑर्बिटल है अगर तीन है तो आपने ऐसे पी ऑर्बिटल बनाया, इसके अंदर आपने एक को लिख दिया भाई पी एक्स लिखा, दूसरे को आपने पी वाई लिखा, तीसरे को क्या लिख दिया बताओ पी जेड। ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि जो डी होते हैं वो डी कितने होते हैं बताओ, पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच होते हैं। वैसे छह होते हैं लेकिन फिलहाल के लिए मैं पांच बता रहा हूँ। एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स जेड, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, पांच हो गए। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये एक डब्बा है ना, एक डब्बे के अंदर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, या फिर मिनिमम जीरो भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? हमेशा दो ही होंगे। ठीक है ना, यानी कि आपको इतना सारा आ गया है कि ये ऑर्बिटल कैसे लिखना है। फर्स्ट में आपको 1s ही लिखना है, दूसरे का 2s लिखना है, 2p लिखना है, 3s लिखना है, 3p लिखना है, 3d लिखना है। आया इतना समझ में? आगे बढ़ें जी। देखिए आपने क्या कर देना है उसके बाद ना, कि आप तो आपको पता चल चुका है कि भाई इसका नाम कैसे लिखना है। ठीक है, अब तो आपको पता चल चुका है कैसे नाम लिखना है। देखो मैंने ये कहा कि मान लीजिए ना कार्बन है, कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर इसका है, एटॉमिक नंबर जी इसका है आपका सिक्स है। कितना है? सिक्स है। सबसे पहले ना आप एक काम कर दीजिए, 10th तक जो आपने सीखा हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, कितना कर दो बताओ? 4 कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया आपसे, बहुत बढ़िया। फिर ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये 4 है ना, इसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं बताओ? 2 का मतलब ये कौन से सेल में आ रहा होगा? K में आ रहा होगा। और 4 किस में आ रहा होगा बताओ? L सेल में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो, ये जो K सेल है, के सेल के लिए मैंने बोला था कि 1 होता है, 1 का मतलब क्या होता है बताओ? एस होता है। इसी को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 1s भी लिख सकते हो। फिर आओ एल में, आओ एल को मैंने बोला था कि एल का मतलब 2 होता है और इसमें 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से बताओ? एक तो एस होता है बोला था, दूसरा कौन सा बोला था आपको? पी बोला था। तो आप एक काम कर लो, कौन से वाले का एस है? सेकेंड वाले का, यानी कि आप क्या बोल दो बताओ? 2s बोल दो, और अगले वाले को क्या बोल दो बताओ? 2p बोल दो। आया समझ में? उसके बाद देखो, अब आपको मैंने ये बताया 1s ऑर्बिटल कुछ ऐसा ही दिखता है, और जो दूसरा s ऑर्बिटल है 2s वो भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन p ऑर्बिटल को आपको ऐसे बनाना होता है 1 2 3 करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कहा था कि एक डब्बे के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप क्या कर दीजिए? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1s 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बताओ, अब जो एल सेल है, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना हमेशा एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, और जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो एफ ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा मैक्सिमम कितने आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर नॉट? आगे देखें, अब यहाँ पे ना के सेल आपका भर चुका है, यानी कि 1s 2 हो चुका है, तो एल सेल को भरना है। एल सेल में 2 आपके ऑर्बिटल हैं, 2s भी है, और कौन सा है बताओ? 2p भी है। अब एक बार ना 2s में से 2 को हटा दो, केवल क्या बचा बताओ? s ऑर्बिटल। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बताओ? 2, यानी कि बचे हुए 4 में से 2 तो कहाँ चले जाएंगे आपके इसमें, तो आप यहाँ पे भी 2s कितना लिख सकते हैं बताओ? 2 लिख सकते हैं। सही है, अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन एल सेल में? 4 में से 2 तो चले गए, 2 बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक पहला इसमें भर देंगे, दूसरा इसमें भर देंगे, यानी कि पी में भी कितने हो जाएंगे आपके? 2, यानी कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं? 2s 2 और 2p 2। अब बात ये आती है कि जब आपको पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिया था, 1 2 दिया था, 3 है ना, तो और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करने थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया ऐसा? या फिर आपने ना इसका मीनिंग क्या है, ऊपर एक नीचे ये वाला, ऐसा क्या है? देखिए
हमेशा ना एक रूल आता है, हंट्स रूल। क्या आता है बताओ? हंट्स रूल आता है। हंट्स ने बोला था कि जब आप ना ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम पे सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ? फिल्ड होंगे। कैसे? पहले आप एक एक भर लीजिए सब में, अगर बचेंगे तब आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ठीक है, कैसे उसको भी समझा देता हूँ, ध्यान दें। मान लीजिए ये तो कार्बन का था, अभी हम चलते हैं किसी ऐसे में जिसमें कि रिपीट होने के चांसेस हो। मान लीजिए ना आपके पास ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑक्सीजन का जो आप 10th में जैसे जानते थे वैसे ही कर लीजिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 10th में लिखते थे 2.6 लिखते थे, ठीक है। तो अब इसके बाद ना इन दोनों को ना डिवाइड कर दो। ये 2 कौन से में है बताओ? के शेल में है, और जो 6 है वो किस में शेल में है बताओ? एल वाले शेल में है। सी, ठीक है। के शेल का मतलब आपने ये बोला था कि 1 होता है, और 1 का मतलब मैंने बोला था कि भाई 1s होता था, ठीक है। अगर 1s होता है, और L का मतलब आपने बोला था कि एक तो S होता है, सॉरी 2 होता है, और 2 का मतलब दो ऑर्बिटल होते हैं, एक तो आपका S होता है और दूसरा कौन सा होता है बताओ? P होता है। मैंने बोला था इस S और P की जगह पे क्या लगा दो? आगे की तरफ 2 हुई, और यहाँ पे भी क्या लगा दो? 2 लगा दो। अब देखो जो 1s है, 1s का ना ऐसे डब्बा बना लो। 1s का ऐसा डब्बा बनाओगे, 2s का भी ऐसा ही एक इतना ही डब्बा बनेगा, ऐसा ऑर्बिटल है क्योंकि ये, और 2p का भी ऐसा ही कुछ एक डब्बा बन जाएगा जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। तो के शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप क्या कर दीजिए? एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 1s2 लिख दो। अब जो बचे हुए ना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉनों को आपको 2s में भी भरना है और 2p में भी भरना है। तो बताएं s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? टोटल 2, तो 1 और क्या करेंगे? 2। अब 6 में से 2 हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे 2s2 लिख दीजिए। बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 रिमाइनिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, 4 रिमाइनिंग इलेक्ट्रॉन अब कैसे भरना है? देखो आपको क्या करना है, हंड रूल ने ये बोला था, पहले ना एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में भर लो। कैसे? एक ऐसे भर लिया आपने, दूसरे को ऐसे भर लिया, तीसरे को ऐसे, लेकिन रिमाइनिंग 4 थे, तो 4 में से 3 तो ये हो गए, चौथा तब जाके क्या करेगा बताओ? पेयरिंग करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2p को आप 4 लिख देंगे। सही है। इसके बाद आगे देखें, जैसे मान लीजिए एक और कर लेते हैं कहीं पे, सोडियम का, Na, सोडियम का कर लीजिए। देखिए सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो आप लोग 10th में लिखते थे 2.6.1 लिखते थे। सही है। मैंने ये बोला था ये जो 2 आता है ये हमेशा किस में आता है? K में आता है, और जो 6 आता है वो किस में आता है बताओ? L सेल में आता है, और जो 1 आता है वो किस में आता है बताओ? आपका M सेल में आता है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? के शेल का मतलब फिर से आपको मानना है कि 1 होता है, इसमें इसमें क्या होता है बताओ? हमेशा 1s ही होता है। और एल सेल में, एल सेल का मीनिंग आपको बोला था 2 होता है, और 2 में दो चीज़ें लिखने को बोली थी मैंने, एक तो बोला था आपको s बोला था, और दूसरा कौन सा बोला था? p। s और p लिखते आपको ये जो 2 है, इस 2 को भी इन दोनों के आगे लिख देना है, नहीं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। तो आगे देखें, m का मतलब होता है आपको बोला था 3, और 3 को मैंने बोला था कि 3 टाइप से लिख दो, एक को तो s लिखेंगे, दूसरे को p लिखेंगे, और तीसरे को क्या लिखेंगे बताओ? d लिख देंगे, आपको यही बोला था। तो 3 इन सब के आगे लगा दो, 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और 3 भी क्या हो जाएगा बताओ? ये d हो जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या करना है, यहाँ पे ना आप सबके डब्बे बना लो। ये 1s का हो गया, ये आपका 2s का हो गया, यहाँ पे आपका 2p का डब्बा हो गया ये, और उसके बाद क्या करो? 3s का एक ही डब्बा, हमेशा s ऑर्बिटल का एक डब्बा बनेगा, p के 3 बनेंगे और d के 5। ये p ऑर्बिटल हो गया 1 2 3, और ये हो गया आपका d ऑर्बिटल 1 2 3 4, और क्या हो गया बताओ? 5 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है कि पहले सेल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कि आप क्या कर दो? 1 और 2 कर दो, इसका मतलब 1s कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरे में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन किस किस में भरने बताओ?
एक तो आपको 2s में भरने हैं, दूसरा 2p में भरने हैं, ठीक है ना। अगर 2s और 2p में भरने हैं तो आप क्या करेंगे बताओ? अच्छा सॉरी, 2 6 नहीं, 2 8 1 लिखते थे आप लोग, है ना, 2 8 1। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपके पास एक तो s ऑर्बिटल है, दूसरा कौन सा है बताओ? p ऑर्बिटल है। मैंने कहा कि एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आप क्या कर दो, 1 2 कर दो, यानी कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 8 में से 2 अगर 2s में जा चुके हैं तो बचे कितने, 6, तो आप क्या कर दो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2p में कितना लिख दो आप, 6 लिख दो, ठीक है। उसके बाद बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो कि बचे हुए सेल्स में, अब यहाँ पे 3s बचा हुआ है आपके पास, 3p बचा है, 3d, तो 3s सबसे पहले लिखा था हमने, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दीजिए और 3s क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये होता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, आप लोग इस ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख सकते हैं और बाद में आप याद भी कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।